मात श्री नर्मदे हर। विश्व में एकमात्र नदी है नर्मदा नदी जिनकी परिक्रमा की जाती है। दूर दराज के हजारों की संख्या में नर्मदा भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे होते हैं। जो लोग माँ नर्मदा के सहारे परिक्रमा पर निकलते हैं उनके रहने खाने और सुरक्षा की व्यवस्था भी माँ नर्मदा स्वयं करती है। परिक्रमावासियों के अनुभव है कि माँ नर्मदा हमेशा उनके साथ सूच रूप में रहती हैं। इस बात को परिक्रमावासी महसूस भी करते हैं। लेकिन माँ का चमत्कार देखिए कि माँ हमेशा हर परिक्रमावासी के साथ मौजूद होती हैं। जब भी वह परिक्रमावासी किसी मुसीबत में होता है माँ किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य पहुंच जाती हैं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ परिक्रमावासी माँ के भक्त इस बात को समझ पाते हैं, अधिकांश अनजाने में ही यह सुखद पल गंवा देते हैं। हम मुंबई वाली मैया से उनके अनुभव जान रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह दो बार परिक्रमा काल में उनके साथ यह सुखद अनुभव हुआ कि किस तरह उन्हें अपने परिक्रमा काल के दौरान माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन हुए और किस रूप में हुए। आइए सीधे सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। कहा जाता है प्रत्येक परिक्रमावासी का अनुभव रहा है कि मैया किसी न किसी रूप में परिक्रमा के दौरान एक बार जरूर दर्शन देती है, ऐसा कोई आपका अनुभव? हाँ, जब मैं पैदल परिक्रमा कर रही थी तो मुझे दो जगह मैया ने दर्शन दिए थे। एक शूलपानेश्वर के जंगल में जब मैं चढ़ रही थी तो अकेली थी, तो एक मौका ऐसा आ गया था कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे कि अब हम अकेले हैं, कोई सामने कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ गांव पहले से मैंने ये नोट किया था कि कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं ये समझ गई थी कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे शेर चीता इनका घूमना फिरना है। और उस वक्त मैं जब बहुत मन में सैड हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी कि मैं अकेली हूँ और कहाँ जाना है, अभी कोई पूछे, पूछना भी बोले तो किससे पूछूं, ये जब मेरे मन में आया तो मैं आगे जा रही थी, मुझे चुन चुन की आवाज़ आई पायल की। दो तीन बार पायल की आवाज़ आई तो मैंने मुड़ के देखा, एक बहुत ही 8-9 साल की, उसने लाल घाघरा पहना था और हरी चुन्नी थी उसके पास, तो इतनी अच्छी स्माइल थी उसकी, ऐसे मुस्कान थी कि कोई भी मोहित हो जाता। तो मेरे पास सिर्फ दो चॉकलेट थी, तो मेरे को मालूम नहीं, ऐसा लगा कि ये तेजस्वी है, तो इसके लिए मैंने उसको मैया समझ के दो चॉकलेट दी। मैंने बोला मेरे पास कुछ और है नहीं, पाँव पक पड़ी उनके और मैं चलने लगी। फिर पायल की आवाज़ नहीं आई, इसके लिए मैंने वापस मुड़ के देखा लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई, जबकि पूरा मैदान का मैदान पड़ा हुआ था क्योंकि शूल पानी है ना, उधर सिर्फ पत्थर ही है, तो पत्थर पे पेड़ भी कम, तो अगर लड़की कहीं गई है तो दिखाई देनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं। वो एक अनुभव था। और एक मांडवगढ़, तो मांडवगढ़ के राम जी के मंदिर के यहाँ पे हम लोग, मैं रुकी थी उस रात, तो उस रात मेरे को मैया जी ने रात को दर्शन दिए थे और बहुत सारा प्रकाश आ गया था, उसमें दो आंखें सिर्फ नजर आई, इतनी तेजस्वी थी कि मैं देख नहीं पा रही थी, तो मैया ने सिर्फ इतना ही बोला कि कल अपनी मुलाकात हो और अंतर्धान हो गई। तो मैं तब से राह देख रही थी कि मैया किस रूप में आने वाली है मालूम नहीं। जब मैं नीचे उतरी महेश्वर, तो वहाँ पे जब मैंने अहिल्या जी का यहाँ पे दर्शन लिया और मैं बाहर पांव रख रही थी, तो जो मैंने आंखें देखी थी वैसे ही आंख वाली एक औरत मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी और बोली मैया आप आ गए, मैं आपको कब से आपका राह देख रही थी। और वो मेरे को 4-5 सीढ़ी नीचे लेके गई और एक गठड़ी रखी थी उसकी, उस गठड़ी से मैं उसने एक ऐसा चक्र की तरफ निकाला कुछ पत्थर, ऊपर से देखने को तो पत्थर ही था, तो उन्होंने मेरे हाथ में रखा और बोले ये आपके लिए, और बोले कि इसको पहचाने ये क्या हो, तो मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने उसको खोल के दिखाया, तो वो विष्णु चक्र था।
तो मैया ने, मैंने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैया बोले नहीं ये बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, तुम ये ले लो। मेरे को, मैंने बोला मेरे पास इसके कोई पैसे नहीं है, तो मैया बोले कि नहीं पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मैंने आपको ऐसे ही दिया है। तब भी मेरे दिमाग में, बोलते हैं ना कि भगवान जब सामने आ जाए तो मगज बंद हो जाता है, तो वही हालत में मैंने उनको ये भी पूछा, मूर्ख की तरह प्रश्न था लेकिन पूछा तो सही। तो मैंने उनको ये भी बोला ये क्या है, इस पे आपने कार्विंग किया है? तो मैया ने थोड़ा सा तिरछी नज़र से मेरे को देखा, थोड़ा उग्र नज़र से, फिर मैया हंस पड़ी, फिर बोली ये शालिग्राम है, इसके ऊपर कार्विंग करने जाओ तो ये पत्थर टूट जाएगा, कार्विंग नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त मेरे को समझ आया कि वो क्या बोल रहे थे, और फिर उन्होंने मेरे हाथ में दिया, फिर बोली कि जाओ। मैं निकल गई, मैं मंदिर में गई। मेरा अक्सर ये मेरा हैबिट रहा है कि मैं कुछ भी भगवान के पास पहले रखती हूँ। तो मैंने उसको पंडित जी को वो दिया, और उन्होंने शंकर जी के पिंड पे रखे वो मुझे दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी मंदिर की ओर, तब मैंने मन ही मन में मेरे सद्गुरु को, मेरे गजानन महाराज को और मैया को मैंने ये प्रार्थना की कि मैं कहीं पे गलत नहीं होना चाहती, तो अगर ये मेरे लिए नहीं है तो मेरे को उस प्रकार के संकेत दीजिए, और अगर ये मेरे लिए है और ये कुछ अच्छा है जो मैं रखना मुझे चाहिए तो मुझे उस प्रकार के संकेत आप दीजिए। तो हुआ ऐसे कि जब मैंने उनसे बोला कि आप शिव जी के पिंड पे रख के मुझे देना, तो वहाँ पे धतूरे के फूल थे, बेल के पत्ते थे, बड़े बड़े वो जंगली फूल होते हैं वो थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो हाथ में दिया तो वो तुलसी पत्र और गुलाब के फूल के साथ दिया, तो वो एक संकेत था मेरे लिए। हाँ, तो मैंने फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने सोचा कि बाहर जाऊंगी तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी। मैंने उस औरत को बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली, यहाँ तक कि मेरी पूरी परिक्रमा होने के बाद मैं वापस वहाँ महेश्वर में आई और मैंने वापस उसको ढूंढा, तो मेरे को लोगों ने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, क्या हो गया, कुछ खो गया है? जब मैंने उनको ये बात बताई तो मेरे को वहाँ के बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो बोले ऐसे अनुभव यहाँ आते हैं, और वो मैया थी, वो नॉर्मल नहीं थी। परिक्रमा के पहले का जीवन आप क्या अंतर समझ में आता है? बहुत अंतर समझ आता है। एक पहली बात तो ये है कि अगर मैं नॉर्मल इंसान के हिसाब से बताऊँ तो अगर कभी घर छूट जाए या पैसा ना हो, मैं ऐसी औरत थी जो मैंने खुद ने बहुत काम किया है, तो पैसे नहीं है पर्स में इन्हें हम बाहर ही नहीं निकल पा सकते, ऐसा एक इमेजिनेशन। मैंने नर्मदा परिक्रमा में सीखा कि नहीं, इंसान के पास एक भी पैसा ना हो फिर भी वो मैया के भरोसे या उनके सद्गुरु के भरोसे या परमेश्वर के भरोसे अगर निकले तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, डर, जो एक डर रहता है ना कि रात को इतने बजे नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो डर निकल जाता है, क्योंकि आप पैदल ही चलते रहते हो और उस वक्त आपको परमेश्वर पे इतना भरोसा हो जाता है, आपके सद्गुरु पे इतना भरोसा आपका दृढ़ हो जाता है कि आप बाद में जिंदगी में कभी नहीं घबराते। बहुत अच्छी चर्चा हुई आपसे, तो संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बहुत धन्यवाद। हर एक को नर्मदा परिक्रमा जरूर करनी चाहिए जिंदगी में, और करते वक्त सिर्फ पूरी तरह से मैया के ऊपर निर्भर होके करनी चाहिए। हम कर रहे हैं ये भावना रखेंगे तो अनुभव नहीं आएगा।